भोपाल से आपको बता दें कि गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण के से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। प्रदेश के 70,000 गेस्ट टीचर्स अब नियमित नहीं किए जाएंगे। लोक शिक्षक संचालनालय ने किया है ये पूरा का पूरा, जो संचालक है उसकी याचिका का निराकरण हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश पर DPI ने ये याचिका का निराकरण किया है। अतिथि शिक्षक यानी कि जो गेस्ट टीचर्स हैं, गेस्ट लेक्चरर्स हैं, उनको सीधा नियमित नहीं किया जाएगा। DPI गेस्ट टीचर्स को सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा, ये कहा गया है। DPI गेस्ट टीचर्स ने नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। तो फिलहाल किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है इस पूरे मामले के बाद, एक बार तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर DPI ने इस याचिका का निराकरण किया। अतिथि शिक्षक जो कि गेस्ट टीचर्स होते हैं, उनका सीधा नियमितीकरण यानी कि उन्हें गेस्ट टीचर्स नहीं बल्कि उनको रेगुलर जो टीचर्स होते हैं उनमें उनको शामिल किया जाए, परमानेंट किया जाए, तो इसको लेकर के आज हाईकोर्ट ने निराकरण किया और इसमें ये फैसला आया है। गेस्ट टीचर्स का पूरा मामला है। प्रदेश के 70,000 ऐसे गेस्ट टीचर्स हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला हाईकोर्ट में था। लेकिन अभी फिलहाल टीचर्स को, जो गेस्ट टीचर्स हैं, उनको राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। इस पर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आकाश द्विवेदी, उससे ज़्यादा जानकारी लेंगे कि फिलहाल सिचुएशन क्या है। तो प्रदेश के 70,000 गेस्ट टीचर्स हैं जो उनके नियमितीकरण का ये पूरा का पूरा मामला है, जिस पर हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गेस्ट टीचर्स को सीधी भर्ती में अब 25% आरक्षण दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो जो गेस्ट टीचर्स होंगे उनको जो सीधी भर्ती की जाएगी सरकार द्वारा, उसमें 25% आरक्षण दिया जाएगा।